मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जो आपने हमारे लिए टाइम निकाला और यहां आज हमारा मीटिंग करने का मेन मकसद था। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर रियासी में हमारी एक्सर्विस मैन लीग की तरफ से एक कमेटी फ्रेम करने का एक हमें हायर अथॉरिटी से कुछ आदेश मिला था, जिसके मुताबिक हमने आज एक कमेटी फ्रेम की जिसमें भिन्न भिन्न पदों पर लोगों को अपॉइंटमेंट दी गई। जैसे एज ए डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर सर्विसेज लीग की तरफ से डिस्ट्रिक्ट रियासी की तरफ से डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मुझे चुना गया। इसके साथ ही मेरे साथ में जो मेरे साथी खड़े हैं हर एक तहसील से उनको जिम्मेवारी दी गई और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर की तरफ से कुछ डिस्ट्रिक्ट डेलीगेट भी चुने गए जिनका मैं ब्यौरा आपको प्रोवाइड कराऊंगा। इसका इस ग्रुप को इस पार्टी को चुनने का मेन मकसद हमारा ये है कि रियासी डिस्ट्रिक्ट में हमारे जितने भी भूतपूर्व सैनिक हैं उनको हमेशा इग्नोर किया जाता रहा है और अभी भी इग्नोर ही किया जा रहा है, जिसकी वजह से हमें ये महसूस हुआ कि हमें कोई एक कमेटी फ्रेम करनी चाहिए ताकि हमारी आवाज़ कहीं ना कहीं किसी एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंच सके और हमारी जो परेशानियां हैं, एक सर्विस मैन को काफ़ी सारी परेशानियां आती हैं, हमारे बुज़ुर्ग लोग एक सर्विस मैन हैं, भूतपूर्व सैनिक हैं, वीर नारीज हैं, विडोज़ हैं, उनकी समस्याओं को देखते हुए हमें एक कमेटी बनाने की ज़रूरत पड़ी। क्योंकि डिस्ट्रिक्ट रियासी की को फ्रेम किए हुए इसको बने हुए काफ़ी साल हो गए, लेकिन जो एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में भूतपूर्व सैनिकों के लिए जो सुविधाएं होती हैं उनके नाम पे अभी तक यहाँ पे कुछ नहीं, जिसकी वजह से ये हमारे आए दिन हमारे भूतपूर्व सैनिक परेशानियों का सामना करते हैं और उनकी कहीं भी कोई सुनवाई नहीं होती। हमें छोटी छोटी बातों के लिए कोई मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए भी उधमपुर जाना पड़ता है। हमारा सोल्जर बोर्ड ऑफिस जो अभी तक उधमपुर में है, जिसकी कि हम लोग डिमांड करते हैं रियासी में होना चाहिए, या जो भी एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के अंदर जो भूतपूर्व सैनिकों के लिए जो फैसिलिटीज़ जो सुविधाएं लागू हैं उसके लिए हम लोग मांग करते हैं कि ये सुविधाएं रियासी डिस्ट्रिक्ट में फौरी तौर पे दी जाएं, क्योंकि ये फार फ्लंग एरिया से बिलोंग करता है डिस्ट्रिक्ट रियासी जो है, बहुत दूर दराज यहाँ से लेकर के रजौरी डिस्ट्रिक्ट शोपियां डिस्ट्रिक्ट तक ये हमारा फैला हुआ इलाका है, तो लोग काफ़ी दुश्वारियों से गुजर रहे हैं। तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन का ध्यान दिलाना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि हमारे भूतपूर्व जो रियासी के हैं उनकी तरफ भी गौर की जाए, क्योंकि उन्होंने भी अपने ज़िंदगी का बहुत सारा एक कीमती समय इस देश के लिए और इस राष्ट्र के लिए दिया है। आज उन्हें अगर किसी सहारे की ज़रूरत है तो वो उनको पूरा देखभाल सही तरीके से नहीं हो रही है, जिसकी वजह से आज हमें इकट्ठा होना पड़ा। थैंक यू, धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ जो आपने टाइम निकाल के हमारे कुछ एक पॉइंट्स हैं जो हम उजागर करना चाहते थे, तो आपके माध्यम से थोड़ा ज़्यादा जल्दी में उजागर होंगे, इसलिए सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं कैप्टन प्रीतम सिंह, मैं जहाँ रियासी डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ, तहसील भमा का रहने वाला हूँ, तो कुछ एक परेशानियां जो हमारे को आ रही हैं मैं इनके बारे में आपको बताना चाहता हूं, ताकि हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को और हमारे जो आर्मी का जहां पर स्टेशन हेडक्वार्टर वगैरह है तो उनको हमारा पता चले कि इन भूतपूर्व सैनिकों को क्या परेशानियां आ रही हैं। सबसे पहले एक डिस्ट्रिक्ट होने के नाते जहाँ पर एक स्टेशन हेडक्वार्टर नियुक्त किया गया, जो कि स्टेशन हेडक्वार्टर जहाँ पर मौजूद है, लेकिन जो स्टेशन हेडक्वार्टर में जो फैसिलिटियाँ एक एक्स सर्विसमैन को दी जाती हैं, इसमें कुछ भी हमारे को अभी तक दिखाई नहीं दे रहा है कि कुछ हमारे को फैसिलिटियाँ मिल रही हैं। सबसे मेन फैसिलिटी होती है
कि स्टेशन हेडक्वार्टर में एक स्टेशन कंटीन होती है, कोई भी स्टेशन हेडक्वार्टर होता है उसके अंडर एक स्टेशन कंटीन होती है। वो स्टेशन कंटीन उस एरिया के जितने भी एक्स सर्विस मैन होते हैं उनको कवर करती है, जो एक्स सर्विस मैन उस पर डिपेंड होते हैं। यहाँ पर इस स्टेशन हेडक्वार्टर के अंडर कोई कंटीन नहीं है, एक कोई भी बार की जूंट को डिटेल किया जाता है कि इस जूंट में उसको डिपेंड किया जाता है हमारे पूरे एक्स सर्विस मैन को, लेकिन जूंट के पास इतना कोई भी फैसिलिटी नहीं होती है, इतना पैसा नहीं होता है कि जो सब को हमारे पूरी फैसिलिटी कर सके। तो सबसे पहले मैं स्टेशन हेडक्वार्टर से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ये एक ऐसी कंटीन जहाँ पर स्टेशन कंटीन अपना इसका प्रोसेस शुरू करें और जहाँ पर खोलें, जिसकी वजह से हमारे को बाहर जाने की ज़रूरत ना पड़े। रियासी डिस्ट्रिक्ट एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो बड़े पहाड़ी एरिया से घिरा हुआ है, बड़े बड़े दूर से लोग जहाँ आते हैं तो किसी के पास इतना, इधर आने के लिए भी रियासी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में आने के लिए भी लोगों को एक दिन चलकर व बस का सफ़र करके या किसी अपनी गाड़ी का सफ़र करके पहुंचना पड़ता है। तो अगर उसको जहां पर फैसिलिटी ना मिले, इसके अलावा वो उधमपुर में या जम्मू में जाना पड़े तो उसके लिए और उसको ज़्यादा समस्या आती है। तो इसलिए हमारी यही रिक्वेस्ट है कि अगर कोई भी स्टेशन हेडक्वार्टर के पास कंटीन खोलने का जो इनके पास अगर अथॉरिटी है तो खोलें, और हमारे को, हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, जो हमारे अभी नए नौजवान जितने भी आए हुए जितने एक्स सर्विस मैन हैं, इनको फैसिलिटी मिले। दूसरा नंबर, जहाँ पे कोई भी हमारा मेडिकल फैसिलिटी जहाँ पे नहीं है, हमारे को अभी तक उधमपुर या जम्मू से जितना भी है उस पर डिपेंड होना पड़ रहा है। तो इसलिए जहाँ पर कोई ECHS का एक छोटा सा सेल खोला जाए, जो हमारे छोटी मोटी समस्या वाले बंदे वहाँ पर जाएं और अगर उसको रेफर की ज़रूरत पड़े तो उसको अथॉरिटी होनी चाहिए और रेफ़र करें और हम उसकी फैसिलिटी ले सकें और अपना जो जिसको जो भी बीमारी है उसका इलाज करा सकें। तीसरा नंबर, हर डिस्ट्रिक्ट में चार चार पाँच पाँच दस दस APS स्कूल होते हैं, लेकिन जहाँ पर कोई भी आर्मी पब्लिक स्कूल नहीं है तो अगर स्टेशन हेडक्वार्टर हमारा स्टेटिक जहाँ पर है तो एक APS की हम डिमांड करते हैं कि जहाँ के जितने भी एक्स सर्विस मैन हैं या फौजी जो सर्विस मैन हैं, इनके बच्चे सभी के या तो जम्मू APS में या उधमपुर APS में पढ़ते हैं और लोगों को सिविल में क्वार्टर वगैरह या अपना कमरा लेकर रहना पड़ता है, हमारे को किराया देना पड़ता है, सब कुछ डबल इसका खर्चा उठाना पड़ रहा है। इसलिए हमारी यही रिक्वेस्ट है कि जहाँ पर एक APS खोलने का कोई प्रबंध किया जाए। दूसरा, मेरा सिविल प्रशासन से भी यही मेरी रिक्वेस्ट है कि एक्स सर्विस मैन जो 20 साल 25 साल 30 साल हम बाहर देश के लिए अगर करके आए हैं तो जहाँ पर रियासी डिस्ट्रिक्ट में एक्स सर्विस मैन को बिल्कुल इग्नोर किया जा रहा है, कोई हमारी फैसिलिटी या कोई हमारा कोई ऐसा काम नहीं है या कोई हमारे साथ कोई मीटिंग नहीं की जाती है कि एक बार बुलाकर एक्स सर्विस मैन से पूछा जाए, हमारे को टाइम दिया जाए तो हम आके सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से भी मिलें और वो भी हमारे को जो हमारे लिए लागू है वो हमारे को देने का कष्ट करें।